This news sponsored by Cummins College of Engineering for Women. नमस्कार, एनबीसी न्यूज के टॉप 20 खबरों में मैं मनीष आपका स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। यूपी में सीएम योगी ही बने रहेंगे बॉस। दिल्ली की बैठक में पीएम मोदी ने दिया साफ संकेत। दिल्ली में हुई मुख्यमंत्री परिषद की बैठक में पीएम मोदी ने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने रविवार को जजों से कहा कि वे कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। सीजीआई ने कहा कि आज समस्या यह है कि हम ट्रायल जजों द्वारा दी गई किसी भी राहत को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। तेज रफ्तार कार गुजरी और लहर से टूट गया बेसमेंट का गेट। वायरल हुआ दिल्ली के कोचिंग सेंटर का खौफनाक वीडियो। हिंदी सिनेमा के दो दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर और नीतू कपूर के बेटे रणवीर कपूर का नाम बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में शामिल है। रणवीर इन दिनों नितेश तिवारी की रामायण को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने क्रिकेट करियर के दौरान कभी भी शराब का प्रमोशन नहीं किया। सचिन तेंदुलकर ने खुद इस बात का खुलासा एक इंटरव्यू में किया। सचिन तेंदुलकर ने एक निजी हिंदी न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने पिता को बड़ा वचन दिया था। पहले लव जिहाद फिर मर्डर। मुंबई में सामने आया श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला। नाबालिग की बेरहमी से हत्या। पीटीआई चेयरमैन के सलाहकार सैयद जुल्फी बुखारी द टेलीग्राफ को बताया कि इमरान खान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए चुनाव लड़ेंगे क्योंकि जनता की मांग है कि यह वह चुनाव लड़े। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में दिल्ली में आरोप पत्र दायर किया है। पेरिस ओलंपिक 2024 के दूसरे दिन मनु भास्कर ने निशानेबाजी में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य जीत कर इतिहास रच दिया। इसके बाद देश विदेश में उन्हें बधाइयां दी जा रही है। बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार के नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सुल्तानपुरी के मोची रामचेत को फोन कर पूछा कि कोई दिक्कत तो नहीं है। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद रामचेत मोची की जिंदगी बदल गई है। मुफलिस में जाने वाले हर कोई रामचेत से अब हालचाल पूछने लगे हैं। संसद में चल रहे मानसून सत्र के छठे दिन आज लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी बजट पर चर्चा में भाग ले सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन संसद में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक पेश करेंगी। पर उच्च स्तरीय टास्क फोर्स की पहली बैठक की। निवेश पर टास्क फोर्स की पहली बैठक में पारंपरिक रूप से लाभकारी तरीके से दो तरफा निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा और सऊदी ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अब्दुल अजीज अल सऊद ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान में कमला हैरिस ने कमाल कर दिया है। दरअसल एक सप्ताह के बीच कमला हैरिस की कैंपेन टीम ने लगभग $200 मिलियन फंड जुटाया है। इससे डेमोक्रेटिक पार्टी की मजबूती और बढ़ गई है। बता दें कि यह सभी धनराशि कमला हैरिस के चुनाव अभियान के दौरान जुटाई गई है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पोते चंद्र कुमार बोस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है। दरअसल 18 अगस्त को नेताजी की पुण्यतिथि है और उन्होंने जापान में रखे नेताजी के अवशेष को वापस भारत लौटाए जाने की मांग की है। संसद में बजट 2024 को लेकर चर्चा जारी रहेगी। इस बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन लोकसभा में जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक 2024 पेश करेंगी। Realme आज अपने ग्राहकों के लिए Realme Narzo N61 लॉन्च कर रहा है। कंपनी में ऑफिशियल वेबसाइट पर फोन के पोस्टर के साथ जानकारी दी है कि अपकमिंग डिवाइस आर्मो शेल प्रोटेक्शन के साथ लाया जा रहा है। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ वक्त से इजराइल के खिलाफ बात कर रही है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस का रुख काफी अलग है। साथ ही वायनाड में जल्द ही बाई इलेक्शन भी होने वाले है। ऐसे में माना जा रहा है कि वह इलेक्शन के मद्देनजर इजराइल पर नियमित रूप से निशाना साध रही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे का स्वागत किया, जिन्हें सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हिंसा प्रभावित राज्य को लेकर चर्चा की गई। ऐसी ताजा तरीन खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए एनबीसी न्यूज। धन्यवाद।